आज मैं आपको सिंपल गाउन कैसे कटिंग करते हैं बताऊंगा और कैसे स्टिचिंग होता है वो भी सिखाऊंगा। तो ये देखिए गाउन का फोटो आपके स्क्रीन पे, अब मैंने इसका एक ड्राइंग बना के रख लिया, ये देखिए। अब हम इस ड्राइंग के हिसाब से काटेंगे, फोटो हम नहीं देखेंगे। अब ड्राइंग बना लिए हैं, उसमें हमने नाप लंबाई सब लिख लिया है, देखिए आप लोग। अब उसी के हिसाब से हम लोग इसको कटिंग करते हैं। चलिए बताता हूँ मैं आपको। ये गाउन का हो गया है बॉडी, इसका हम बॉडी काटेंगे। और नीचे घेरा जो है इसका 6 मीटर का हम फुल क्लोज देंगे, 6 मीटर का। तो चलिए पहले बॉडी हम काटते हैं, कैसे काटा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। तो हमने कपड़ा ले लिया है, ये कपड़ा 1 मीटर है, वैसे आधे मीटर में हो जाएगा बॉडी इसका। तो हम आपको दिखाते हैं, इसको हमने बिछा लिया, ठीक है। चौक लेंगे, स्केल लेंगे, अब हम इसको मार्कर लगा देंगे। यहाँ ये हो गया। अब बाड़ी की लंबाई है इसकी 15 इंच, तो 15 इंच इसको हम निशान उठा लेंगे, 1 इंच बढ़ा के लगा रहा हूँ। आधा इंच नीचे बॉडी में दबेगा और आधा इंच ऊपर कंधे पे। तो इसका चेस्ट है 40 इंच। अब इस डिजाइन है ये, इसमें गला नहीं, हाई कॉलर है, तो इसका चेस्ट है 40 इंच। तो इसको हम लगाएंगे 8 इंच का आरमोल का निशान। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे डॉट दे देंगे, इसका 40 इंच है तो 6.5 का रहेगा, ऊपर से डॉट ले रहे हैं 10 इंच, 7.5 ये हो गया। इसको भी हम मार्का कर लेंगे, चेस्ट का इसका हम निशान 40 चेस्ट है, 40 का आधा हो गया 20, 20 का आधा चौथाई 10, 10 लगा ले रहे हैं। कमर है 17 दूनी 34, 34 का आधा 17, उसका चौथाई करेंगे तो 8.5 आएगा इसका। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे डाट के लिए। इसका हाई नेक 6 इंच रख रहे हैं, कॉलर के लिए डाउन करेंगे इसको हम 2.75 इंच। ये हो गया, अब इसको हम राउंड कर ले रहे हैं शेप में। अब ये दे रहे हैं मार्क का आरमोल का, हालांकि ये आरमोल है नहीं, ये कटेगा इस साइड से क्रॉस में। इसको हम कटिंग कर ले रहे हैं। डॉट का निशान उठा ले, जहां जहां पे निशान लगाया हमने, चेस्ट का, कमर का और ये डॉट का निशान उठा दे रहे हैं। अब ये कट गया बॉडी, इसका जो है अस्तर नीचे का काट गया, काटेंगे ऊपर का सर। ये है इसका ऊपर का सर, वो हमने अस्तर काटा है नीचे का। इसको कर ले रहे हैं फोल्ड,
हालांकि आधा मीटर बॉडी के लिए इसमें कपड़ा चाहिए, ये 1 मीटर है, इसको हम भी जमा के छाट ले रहे हैं। ठीक, ये बॉडी कट गया गाउन का। अब हम कटिंग करेंगे इसका नीचे का घेरा, जो 6 मीटर हमने 3-3 मीटर कर लिया है, इसको हम काटेंगे क्लोज। तो क्लोज कटेगा इस तरह, सीधा तो कटेगा नहीं, क्लोज ऐसे नहीं कटता है, क्लोज इसको करना पड़ेगा, इसको डबल डबल कर लेंगे 3 मीटर का। इसका जो पना है 1.5 मीटर का पना है इसका, तो 1.5 मीटर का हम कर लेंगे डबल, यूं ऐसे। उसके बाद अब दोबारा फोल्ड करेंगे इसको, ये जैसे चूड़ीदार नहीं बिछाते हैं सेम सेम, वैसे इसको क्रॉस में बिछाना है। बस इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ऊपर रखना है कमर की साइड में, अब इसको हमने बिछा लिया। ठीक है, अब इसका लेंथ लेंगे, लेंथ इसका है 57 इंच, 58 पे मार्क लगाएंगे, 1 इंच नीचे मार्जिन रहेगा इसका। अब यहाँ से जो ये साइड है ऊपर, ये कमर है, तो इसको हम 15 इंच बॉडी है, 14.5 निकाल के काटेंगे। इसको हम फिर राउंड कर देंगे, राउंड करने के बाद अब नीचे सब जगह हम 58 इंच का माथा लगा दे रहे हैं, ये इसी के हिसाब से 58 इंच। हम पे लगा दिया हमने मार्का, अब इसको हम काट दे रहे हैं। इसके लिए क्वांटर थोड़ा बड़ा चाहिए, क्लोज रहता है 3 मीटर का, काटने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो बड़ा क्वांटर रहेगा तो काटने में आसानी रहेगी। ये हमने काट दिया, ठीक है, ये देखिए क्लोज, ये है सेम, इसी तरह काटेंगे तो सेम सेम गाउन उतरेगा। आज बताइए भाई, आज ये हो गया, ये अभी आगे का है सिंगल, 3 मीटर का सिंगल है ये। तीन मीटर का ये है, इसको भी क्लोज काटेंगे। सेम उसी तरह इसको भी बिछा लेंगे हम, और सेम मार्जिन पे हम काट देंगे। ये कर दिया हमने, उठाया
अगर काटने में निशान आगे पीछे हो रहा है तो हम पहले वाला उठा के इसको जमा के भी इसको काट सकते हैं। जैसे कि कटा है इसको हम सेम बराबर बैठा के ऐसे कटिंग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। इसको मिला लिया नीचे, लेंथ ऊपर मिला लिया, सेम आ रहा है। अब इसको हम काट सकते हैं, और नहीं तो फिर निशान वैसे ही लगेगा। 14.5 ऊपर निकाल के 58 पे निशान लगा देंगे। 58 पे निशान लगाने के बाद कमर मिला देंगे और नीचे 58 का मार्कर लगा देंगे। मैंने एक पहले काट लिया इसलिए मैं जमा के काट दे रहा हूँ। तो ये हमने जमा के काट दिया। इसको थोड़ा हम आगे कर लेंगे, घेरा बहुत है इसमें, 6 मीटर बस। चलो सही, ये हो गया घेरा। ये गाउन अब कट चुका है पूरा। अब हम बताएंगे इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं। गाउन तो रेडी हो गया, काट दिया हमने, अब इसको स्टिचिंग करना है। अब देखिए हमने इसको बॉडी को रख लिया है, नीचे अस्तर है इसको। अभी हम दब्बू से लगा लेंगे कि कहीं पे भागे ना, ये झोल ना खाए कहीं पे। अब इसको हम दब्बू से लगा रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं। चलो अब देखिए ये इसको कच्चा कर रहे हैं। हम दब्बू से इसलिए लगा देते हैं कि जो है ऊपर वाला सख झोल ना खाए। अब इसको हम कच्चा करके फिर फ्रेंड चिपका रहे हैं दोस्त। अब हमने फ्रेंड को बैठा लिया है, इसको दब्बू से लगा देंगे। ऐसे चारों तरफ से इसको भी ऐसे कच्चा कर लेंगे चारों तरफ से। ये ऊपर का है गला हमारा, जिसमें हम लोग कॉलर लगाएंगे। ये ऊपर का गला है जिसमें कॉलर हम लोग कट करेंगे। इसको हम पूरा कच्चा कर लेते हैं। ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये बैग है, ये पीछे रहेगा, पीछे सीधा रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा कंधे तक। ये जो है फ्रेंड है, ये यहाँ से पूरा कॉलर आपका चढ़ जाएगा, ये पीछे सीधा हो जाएगा चेस्ट से नीचे से। अब घेर हम देखो डबल क्लोज है, इसको पहले साइड का हिस्सा हम लोग मार लेंगे दोनों का। इसको जड़ लेंगे साइड पूरा, इसको मार लेंगे। ये देखिए प्लास्टिक है, ये घेरे के नीचे लगेगा। ये देखिए लगा रहे हैं इसको। घेरे में ऐसे सिलाई मार लेना है, ऊपर रख के पट्टी में लग के सिलाई मारना है। आगे पीछे पूरा सब घेरे में प्लास्टिक लगाना है, फिर उठा के अभी हम इसको पलट देंगे। ये देखिए कॉलर अब लग रहा है इसका, गाउन का कॉलर केवल आगे ही है और पीछे जाके बंद हो जाएगा। ये देखिए गाउन हमारा बनके रेडी हो गया है। देखिए
ये पूरे तरीके से अब रेडी हो गया। देखिए हमने इसका बेल्ट भी बना दिया है गाउन का। ये है नीचे प्लास्टिक जो कुछ लगाने से फूला फूला रहता है। ये देखिए घेर इसका फूला हुआ पूरा है। अंदर हमने इसके कनकन लगाया हुआ है इसके अंदर हमने, ये देखिए कनकन लगाया हमने। देखिए हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।